डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग को लिखित आर्मी एग्जाम चाहिए, डीओडी का हम लोग विरोध करते हैं, डीओडी हम लोग नहीं चाहिए। देश की सेवा के लिए सम्मानित अपना जीवन करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन 4 साल में आप किस तरह का सेवा कर पाइएगा? मामला यह है कि मोदी सरकार और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर तीनों सेनाओं में टीओडी लगा दिया गया है। टीओडी लगा दिया गया है और 2 साल से आर्मी का एग्जाम पेंडिंग है, वो अभी एग्जाम नहीं हुआ है, रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हो रहा है, रद्द हो गया है सारा एग्जाम। एक आर्मी ऑफिसर बता रहे हैं कि सारा एग्जाम रद्द हो चुका है आर्मी का, न टीओडी के तहत होगा। ये कहाँ का न्याय, जब भर्ती लिया गया था 2014 के बोला गया था कि एग्जाम होगा, भर्ती होगी, लेकिन अभी तक सारा प्रक्रिया बंद है। टीओडी लागू होने से नुकसान क्या है? 4 साल कौन करेगा जब? सर हम लोग 4 साल तैयारी करते हैं आर्मी के लिए, 4 साल के लिए हम खून पसीना बहाते हैं, 4 साल NCC करते हैं, 4 साल NCC किए हैं, 4 साल तो जब करें क्या फायदा हम लोग का होगा?